हेलो गाइस, मैं शिवा। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, तो बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ और मैं आपको बता दूँ, मेरे पापा नहीं है, उनका बहुत टाइम से इलाज चल रहा था और डायलिसिस भी हो रहा था। और मैं कुछ दिन पहले मैंने गांव से वीडियो बनाई थी ना, उसी टाइम ही डायलिसिस हुआ था पापा का। और काफ़ी टाइम से इलाहाबाद में भी थे, एक हफ्ते तक, फिर घर आ गए थे वो। और अब हमारे पापा नहीं हैं, 1 तारीख को उनकी रात में। तो गाइस, पापा हमारे बीच हमारे पापा नहीं रहे, मेरे पापा हैं। मैं गांव भी गई थी रात में, जो है 1 बजे, मैंने ना बस मिल रही ना ट्रेन मिल रही थी, कोई भी गाड़ियां नहीं मिल रही थी गाइस। और क्योंकि मुझे पता है, आप सबको पता है कोरोना टाइम है, तो कोरोना टाइम पे जो है कोई भी गाड़ियां नहीं अवेलेबल है। रात को 10-10:30 बजे जब मुझे कॉल आया, जब उनकी डेथ हुई थी, तब मैंने ओला उबर बुक करके मैं गांव गई थी गाइस। तभी मुझे उनको मिले नहीं, उनकी लाश से देखने को वहाँ पे, तो मुझे इलाहाबाद जहाँ पे। और गाइस, फिर मैं वहाँ सिंगेरपुर हमारी तरफ में है यूपी में, इलाहाबाद के पास में, मैं वहाँ पे गई थी। और जो है वहाँ पे हमें शमशान भूमि पे, जहाँ लेडीज़ों को नहीं जाना पड़ता होता, फिर भी मैं बच्चों के साथ गई थी, सेफ्टी के साथ बच्चों को गाड़ी में बैठा के रखा और मैं गई। और वहाँ पे मतलब लेडीज़ें नहीं जाती हमारे में, लेकिन फिर भी मैं वहाँ गई जहाँ चलाते हैं पापा को। हमारे जो है गंगा जी में नहला दिया, जो तिट्ठी होती है ना जिस पर लटा देते, उस पर उन्होंने लटा के नहला दिया था, चिता बना दी, जलाने जा रहे थे। फिर भी मैंने कहा मैं इतनी दूर से जा रही हूँ तो लास्ट बार मैं देख लूँ अपने पापा को, तो मैं वहाँ गई थी, बस देख लिया बस थोड़ा सा। और फिर उसके बाद मेरे घर में शादी भी 14 तारीख को थी, तो मेरे घर वालों ने सब ने बोला कि आप जाओ, आपके घर में कोई करने वाला नहीं है। और मैं 2-3 घंटे रह के वहाँ से रिटर्न उसी गाड़ी से वापस आई, क्योंकि बच्चे लेके गई थी और 1-2 दिन बाद आती तो मुझे बस या ट्रेन से आना होता, जो कि सेफ़ नहीं था छोटे बच्चों के साथ। इस वजह से मैं फिर वापसी रिटर्न हो गई। और मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रही हूँ, अब तो मैं भगवान से ये कहती हूँ, दुख तो कम करो, बहुत लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख दे रहे भगवान, बहुत ज़्यादा, लेकिन भगवान दुख कम ही नहीं कर रहे हैं। और कोरोना पे कोरोना, अगर मेरे यहाँ कोरोना से बहुत लोग पॉजिटिव हैं, गांव में बहुत ज़्यादा, गांव में है, दिल्ली के जैसे हाल गांव में हो रखा है। अगर आप मास्क लगा के, आप डबल मास्क लगा कर चलिए, मैं भी पूरा सेफ्टी के साथ गई थी, डबल मास्क लगा के, सैनिटाइज़र साथ में लेके गई थी। तो आप भी, सो प्लीज़, जो है अगर आप सरकार को सोच रहे हो कि नहीं ऐसा कोरोना नहीं है, अफवाह ये सब कुछ है, तो कोरोना है यार। और जो है अपनी सरकार के लिए मत जियो, अपने परिवार के लिए जियो, जो कि आपके लिए सेफ़ है। बाहर बहुत ही ज़रूरत हो तभी निकले और अन्यथा ना निकले, क्योंकि कोरोना टाइम ऐसा है ना कि लोगों की अगर एक बार कोरोना हो जा रहा तो उनकी जान ही लेकर मान रहा है। और मैं शमशान घाट पे गई थी, मैंने इससे देख के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया। मेरी आज 4 दिन हो गए, मेरी हालत थी, तबीयत ख़राब भी हो गई, और मतलब मेरे आँखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। फिर भी मैं आज वीडियो, बहुत टाइम हो गया तो बनाई हूँ, मेरा मन नहीं था बिल्कुल मैं वीडियो बनाऊँ, तो सो मेरे पापा को ऐसे हो गया, इसी वजह से मैं और वीडियो बनाई। मैं आ गई हूँ दिल्ली और मैंने वीडियो बनाई हूँ, अभी शाम का टाइम, मैं छत पे हूँ, तो मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ, थोड़ा सा आप सबसे बातें कर लेती हूँ, हो सकता है मन को अच्छा लगे। सो मेरे पापा के लिए दुआ करना कि मेरे पापा की आत्मा को शांति मिले, और बस यही है। बाकी अभी तो दुख कटे नहीं है, दुख दिन ब दिन कुछ ना कुछ सुनाई दे रहा है, जो कि बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। और रोने के अलावा हंसी तो चेहरे पे आ नहीं रही है। तो गाइस चलते हैं, अगले वीडियो में आऊँगी, वीडियो अगर बनाई तो ज़रूर आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। ओके, ठीक है।